राजस्थान बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक शनिवार को जयपुर के जेईसी में खत्म हुई, लेकिन अंदर की खबर ये आ रही है कि बीजेपी संगठन में जल्द ही एक फेरबदल करने वाली है। सूत्रों के मुताबिक कार्य समिति की बैठक बतौर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का ये आखिरी बड़ा कार्यक्रम था। अब विधानसभा उपचुनाव नए अध्यक्ष की अगुवाई में बीजेपी लड़ेगी और इसके लिए किरोड़ी लाल मीणा का नाम सबसे ज्यादा सामने आ रहा है। राजस्थान बीजेपी में अगले कुछ दिनों में बड़े बदलाव होंगे। शनिवार को राजधानी जयपुर में बीजेपी की वृहद कार्य समिति की बैठक बुलाई गई, लेकिन इस कार्य समिति की बैठक के बाद अब संगठन पर सबकी नजरें टिक गई हैं। बतौर प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का ये आखिरी बड़ा कार्यक्रम माना जा रहा है। जल्द ही पार्टी की तरफ से राजस्थान प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर एक नया नाम तय किया जाना है। नए अध्यक्ष के दावेदारों में राजेंद्र गहलोत, अविनाश गहलोत, प्रभुलाल सैनी का नाम लिया जा रहा है, लेकिन इन सब नामों के बीच अचानक जो सबसे चौंकाने वाला नाम सामने आया है वो है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का, जिन्होंने फिलहाल मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रखा है। हालांकि उनका इस्तीफा अभी तक बीजेपी ने स्वीकार नहीं किया है, लेकिन किरोड़ी ने बतौर मंत्री के रूप में अपने काम से दूरी जरूर बना रखी है। ना तो वो सचिवालय आ रहे हैं और ना ही विधानसभा की कार्रवाई में हिस्सा ही ले रहे हैं। हालांकि किरोड़ी लाल मीणा ये जरूर बयान दे चुके हैं कि उन्होंने इस्तीफा अपने वचन को पूरा करने के लिए दिया है। सरकार और संगठन में उनकी किसी से भी नाराजगी नहीं है। अब जानकार सूत्रों की माने तो किरोड़ी लाल मीणा ने पिछले दिनों बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से दिल्ली में मुलाकात की थी और उस बातचीत में नड्डा ने उन्हें संगठन को मजबूती देने की बात कही थी। अब सवाल यह है कि क्या किरोड़ी लाल मीणा से बीजेपी पूरे राजस्थान को साध सकती है, तो उसके कई अहम बिंदु हैं। आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला, आदिवासी के मुद्दे की काट संगठन की कमान किरोड़ी के हाथ में देने के कई वाजिब कारण बीजेपी के पास अब नजर आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये कि भाजपा किरोड़ी को अध्यक्ष बनाकर कांग्रेस की तरफ से उठाए जा रहे आदिवासी मुद्दे की काट करेगी। किरोड़ी एसटी समुदाय से आते हैं और भाजपा के कैबिनेट मंत्री मदन दिलावर के आदिवासी समुदाय को लेकर दिए गए बयान के बाद कांग्रेस लगातार ये माहौल बना रही है कि बीजेपी आदिवासियों के खिलाफ है। यही नहीं, लोकसभा चुनाव में एससी एसटी आरक्षण का जो मुद्दा कांग्रेस ने चलाया उससे बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। किरोड़ी के मंत्री पद से इस्तीफे को भी कांग्रेस इसी मुद्दे से जोड़कर प्रचारित कर रही है। अब दूसरा बिंदु है उपचुनाव में आदिवासी बाहुल्य सीटों पर कंट्रोल। राजस्थान में इसी साल 5 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिनमें झुंझुनू, खींवसर, देवली, उनियारा, दौसा और 84 विधानसभा सीट शामिल है। इनमें देवली, उनियारा, दौसा और 84 सीटों पर आदिवासी का मुद्दा सबसे ज्यादा असर डालता है। किरोड़ी लाल मीणा के जरिए बीजेपी यहां डैमेज कंट्रोल कर सकती है। बीजेपी में संगठन और सरकार की मौजूदा स्थिति को देखते हुए ये 5 सीटें खतरे में ही बताई जा रही हैं। इसलिए बीजेपी चुनाव से पहले संगठन में बदलाव करना चाहती है। तीसरे बिंदु की ओर रुख करें तो सरकार में खेमाबंदी कम होगी। मौजूदा भजनलाल सरकार में कई वरिष्ठ विधायक ऐसे हैं जिन्हें दरकिनार कर नए विधायकों को मंत्री बनाया गया। किरोड़ी लाल मीणा सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दे चुके हैं। यदि स्थिति यही रही तो सरकार में खेमाबंदी की खाई और चौड़ी होती जाएगी। सरकार में सीएम से लेकर ज्यादातर मंत्रियों के पास अनुभव की कमी है। ऐसे में संगठन को अनुभवी व्यक्ति की जरूरत है और किरोड़ी के पास लंबे सियासी अनुभव और उनके समर्थकों का एक साथ भी मौजूद है। चौथे बिंदु की बात करें तो विपक्ष में रहते किरोड़ी ने कई बड़े आंदोलन किए हैं। पिछली गहलोत सरकार में बीजेपी ने विपक्ष में रहते हुए जितने बड़े आंदोलन किए उनमें किरोड़ी की भूमिका सबसे अहम रही। भले ही संगठन की कमान उनके पास नहीं थी, लेकिन विपक्ष के तौर पर वो सबसे अहम चेहरा थे। चाहे जल जीवन मिशन घोटाला हो या योजना भवन में मिले कैश और गोल्ड से जुड़ा हुआ प्रकरण, इन सबको हाईलाइट करने में किरोड़ी की भूमिका अहम रही थी। एक और बिंदु अहम है कि पूर्वी राजस्थान पर पकड़ कैसे बने। विधानसभा चुनाव में पूर्वी राजस्थान में अच्छा प्रदर्शन करने के बाद बीजेपी को लोकसभा चुनाव में उन्हीं क्षेत्रों में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में एसटी वर्ग,
बीजेपी से जो जुड़ा था उसका फायदा पार्टी को पूर्वी राजस्थान में मिला था, लेकिन लोकसभा चुनाव में आरक्षण का मुद्दा इतना गर्मा गया कि पूर्वी राजस्थान की चारों लोकसभा सीटें, चाहे वो दौसा हो, करौली धौलपुर हो, भरतपुर या फिर टोंक सवाई माधोपुर, बीजेपी की हार हुई। वहीं एससी और एसटी की 7 सीटों में से 5 पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में ये फैक्टर अब राजस्थान में बीजेपी के लिए सबसे अहम होगा और जातिगत फैक्टर भी बैलेंस करना जरूरी होगा। तो मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं, इसके अलावा ब्यूरोक्रेसी से लेकर राजनीतिक नियुक्तियों में भी सरकार पर इसी वर्ग को ज्यादा तरजीह देने के आरोप अंदर खाने लगाए जा रहे हैं। ऐसे में जातिगत फैक्टर को बैलेंस करने के लिए पार्टी एसटी वाला दांव खेल सकती है। अब आपको बता दें कि किरोड़ी को मैनेज करना बीजेपी की मजबूरी भी क्यों बन गई है। तो किरोड़ी ने भले ही मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन उनका इस्तीफा मंजूर करना सरकार के लिए आसान नहीं है। वो इस्तीफे का कारण लोकसभा चुनाव में हुई हार को हालांकि बता रहे हैं, साथ में ये भी कह रहे हैं कि उनकी किसी से नाराजगी नहीं है, लेकिन ये बात किसी से छुपी नहीं है कि किरोड़ी मंत्रिमंडल में अपने पोर्टफोलियो से ही खुश नहीं थे। यदि उनकी यही स्थिति बनी रहती है तो उनकी नाराजगी सरकार और पार्टी दोनों के लिए बड़ी मुश्किलें बढ़ाने का काम करेगी और उपचुनाव से पहले बीजेपी ये रिस्क नहीं ले सकती। इसीलिए किरोड़ी लाल मीणा को राजस्थान में उपचुनाव की बागडोर सौंपी जा सकती है, उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।